हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ब्रह्मपुत्र का जो सरायघाट ब्रिज है उसका नज़ारा और लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए आईआईटी गुवाहाटी आपको दिखेगा। आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस तो आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल कैंपस माना जाता है और काफ़ी ग्रीनरी भरा कैंपस है, तो हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। और फिर आपको सामने कामाख्या जो कि नीलांचल पर्वत पर बसा हुआ है, और उसके सामने आप देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ भरा एक ग्रीनरी का सीन आप यहां से अनुभव कर सकते हैं। और फिर उसके आगे उमानंदा टेम्पल भी आप जा सकते हैं, तो कि जो कि भैरव बाबा का टेम्पल माना जाता है कि आपको सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब आप कामाख्या के बाद उमानंदा को जस्ट विश कर ले या उनकी पूजा कर ले। अब आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के विशेषताएँ, यहाँ पर तो आप देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, डॉल्फिन वगैरह मिलते हैं। तो कहिएगा कि है कि यहाँ से गुवाहाटी या इसके आसपास के लोगों के लिए एक वरदान की तरह है कि यहाँ के लोग इसी नदी के पानी पी के अपना जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो बोट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो कुछ लोग बोट में कैसे अपना जो है लाइफ को स्पेंड करते हैं, बोट में कैसे किसी आदमी का ज़िंदगी गुजर बसर होता है, तो हम आपको लिए चलते हैं बोट के अंदर कैसे कोई मछली बनाते हैं, कैसे फिशरी होते हैं, कैसे वहाँ पर लोग अंडे बना करके अपना जीवन को गुजर बसर करते हैं। दिखाइए जी कैमरामैन हमारे कैसे गुजर बसर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अंडा रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे खाना वाना बन रहा है, कैसे यहाँ पे लोग जीवन यापन करते हैं। तो काफ़ी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है गरीब आदमी की, उनके पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो कहाँ से ऊपर तक सोच पाएंगे। तो वही है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, इनको जो एनजीओ रहता है, हम लोग का एनजीओ भी है, तो हम लोग इनको मदद करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो बिलो एवरेज हैं, जो कि आपका पॉवर्टी लाइन बताता है, तो उनको हम लोग मदद करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा हम लोगों से किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, नेचर के बारे में पूछ सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, NIA जो आया है आपका, तो EIA आया है, तो जितने भी तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रूल आते रहता है उसके क्या क्या आपका चेंजेज मॉडिफिकेशन क्या क्या अपडेट आपको मिल सकते हैं, तो हम लोगों से आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। और हम लोग आपको काफ़ी इनसाइट स्टोरी जो भी इंडिया में इशू चल रहे हैं, चैलेंजेज, उसके आगे का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अगर चाइना जो है यहाँ पे वार का सिचुएशन करता है तो अरुणाचल में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो हम लोग आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी जो है सरायघाट ब्रिज पे हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं जाके, वहाँ पे किसी भी तरीके के आपके नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिवर को बुक कर आप बोट को बुक कर सकते हैं, आगे कितने भी आप प्राइवेट बोट को बुक कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टी कर सकते हैं, तो आप लाइफ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। वेन यू स्पेंड मनी, आप जितना पैसे को स्पेंड करिए आपका लाइफ उतना ज़्यादा एक तरीके से रोमांटिक हो जाता है। सो हम लोग देख सकते हैं IIT गुवाहाटी तो फेमस है ही अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए, पढ़ाई के लिए, कैंपसिंग के लिए। तो चलिए हम आज वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप जिस तरीके से कमेंट करिएगा कि सर हमें इस कॉलेज का आप उसका वीडियो बना के दीजिए, उसके इनसाइट क्या क्या चलते हैं, कैंपसिंग के डिटेल बना के दीजिए, नेचुरल ब्यूटी के बारे में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।